नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन कुमार और बात करते हैं क्लास 12 की। पिछले वीडियो तक 5.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन 5.1 के मुझसे पर्सनली पूछे भी थे, मैंने उनको जवाब दिया है। फिर भी कुछ क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आप वो पूछिए, उनके जवाब मिलेंगे आपको। 5.1 से आगे चलते हैं अपने, तो बात करते हैं सारणिकों के अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग जो वर्ड होता है सारणिकों का, प्रयोग या अनुप्रयोग, मतलब सारणिक का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये बात मैं आपसे करने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ये जो आगे दो या तीन बातें हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सारणिक का जो यूज है कहीं कहीं जगह पे होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का मतलब ये। मैंने आपको तीन शीर्ष दे दिए। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अपनी सारणिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैट्रिक्स क्यों पढ़ी है। तो आज कुछ बच्चों के वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो। मैंने एक यहां त्रिभुज बना दिया। मैंने त्रिभुज में होता क्या है, तीन शीर्ष होते हैं, कितने होते हैं, तीन। ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। मैंने ये त्रिभुज, ये तीनों पॉइंट आपको दे दिए, मैंने वैल्यू दे दी इनकी, और मैंने बोला कि भाई इस त्रिभुज का तुम क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो तुम क्या करोगे, अगर तुमने दिमाग लगाया तो अपने पास इससे पहले का तरीका तो ये था, इन दोनों से दूरी निकाल लेते, दूरी फॉर्मूले से दसवीं क्लास के अपने किया है, इससे दूरी निकल जाती है, इससे दूरी निकल जाती। अब ये तीनों भुजाएं अपने पास आ गई, तब अपने पास फॉर्मूला था हीरोन का, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, उससे करते थे। लेकिन यहाँ आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट जो है वो मेन बात यहाँ समझ में आएगी। देखिए कैसे फॉर्मूला जो होता है वो बाद में बताएंगे, पहले इसको सारणिक में कैसे लिखते हैं। देखो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तीन पॉइंट थे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ये मैंने लिख लिए। अब ये सारणिक ये क्या है, तीन इंटू दो की सारणिक बनती है, पर पॉसिबल नहीं। सारणिक में मैंने जब सारणिक स्टार्ट करवाया था तो मैंने एक बात बोली थी, मैंने ये कहा था कि सारणिक हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स का होता है। तो इसको वर्ग मैट्रिक्स बनाने के लिए स्तंभ में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा याद रहने के लिए। अब मैं जीरो, मेरे पास अपने जब भी कुछ अपने तरफ से करते हैं ना, तो लगभग तो यही रहता है कि जीरो या वन अपन करते हैं। अगर मैं यहाँ जीरो जीरो लिखता हूँ तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, तो मैं जीरो तो नहीं लिखूंगा, वन वन लिखूंगा। इस सारणिक को पूर्ण करने के लिए मैं वन 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 अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। और आपको ये भी याद होगा कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था त्रिभुज का, उसमें आपने पढ़ा हुआ है वन बाय टू इंटू आधार इंटू ऊंचाई, वन बाय टू इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो वन बाय टू लगाया था आपने, वन बाय टू यहाँ पे लगाया। ये होता है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष होने के बाद आपको उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, इस तरह निकालते हैं। फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला में कुछ नहीं है, वन बाय टू बाहर आएगा क्योंकि वन बाय टू तो आता है आपका, आधार इंटू हाइट आता है, और वन बाय टू आ गया, और यहाँ पे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, यहाँ वन वन वन। अब इस सारणिक का मान देखो, मैंने दो तरीके बताए थे आपको। एक तो मैंने कहा था कि सारूचित्र से, सारूचित्र था उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एक कोई भी रो या कॉलम से। वन बाय टू तो बाहर पड़ा है, ठीक है। मैं इसको प्रथम पंक्ति के अनुसार हल करने पर, तो एक्स वन को मैंने बाहर लिखा, ये एक्स वन और ये इसमें छोड़ दिए इसको, वाई टू माइनस में वाई थ्री। इसी प्रकार माइनस का मैंने लिखा वाई वन, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एक्स टू माइनस में एक्स का थ्री, और अब वन लिखा मैंने यहाँ पे प्लस का वन, एक्स टू वाई थ्री,
एक्स थ्री, इस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हो आप, सॉल्व कर दिया इसको, क्योंकि वहां पे एक्स वन वाई वन नहीं होगा, वहां पे आपको मान देगा 2, 3, 4, 5, 6, 8 कुछ भी दे देगा। ये तो ये तो प्रथम पंक्ति, अब प्रथम पंक्ति स्तंभ से कर लूं, ठीक है 1/2, अब यहां कर रहा हूं प्रथम स्तंभ से एक्स वन बाहर, ये तो सेम ही आएगा, माइनस एक्स टू, एक्स टू है ये छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचा वाई वन माइनस में वाई थ्री प्लस एक्स थ्री, वाई वन माइनस में वाई टू। देखिए आप यहां पर, अब मैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो मैं ये कुछ सही कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ आप यहाँ देखेंगे 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस में वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस में वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस में वाई टू, इस प्रकार से करना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सीधा, मतलब या तो आप मान सारणिक में रखें, सारणिक को हल करें, वो आप चाहे सारुचित्र से कर लें या प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कॉलम किसी से भी कर लें, या फिर सीधा यह फॉर्मूला लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, देखिए 3 शीर्ष दिए हूँ, आप लिखेंगे क्या फॉर्मूला 1/2 बाहर आएगा, गिनती आती है, बिल्कुल आती है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 था, इसको साइक्लिक करते हैं चक्रीय रूप में, 1, 2, 3 के बाद में पहले गिनती वन से चालू की, अब 2 से करता हूँ, 2, 3, 1 वन से कर ली, 2 से कर, अब 3 से करूँ, 3 फिर 3 के बाद 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ये इस चक्कर सा होता है, मतलब 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1। बात समझ में आई होगी, साइक्लिक रूप में मैंने इसको लिखा है। तो भैया हो गया क्वेश्चन आपका, बाहर तो एक्स आएगा, येलो एक्स आ गया, बीच में प्लस आएगा, आ गया, यहाँ ब्रैकेट आएगा, आ गया, और बाहर एक्स अंदर क्या आएगा वाई, बस हो गया। देखो ये बन रहा है कि मतलब ये तो बन रहा है, याद रखने का तरीका ये है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 बाहर एक्स अंदर वाई, बस हो गया क्वेश्चन। अब इसका ये फॉर्मूला सीधा आप इसमें वैल्यू पुट करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको पूरे। मान हमेशा क्षेत्रफल जो होते हैं हमेशा एक पॉजिटिव राशि होती है, धनात्मक राशि होती है, इसलिए कभी भी मान नेगेटिव आए तो उसको आप लिखना इसमें पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं लिखना, ठीक है, ये जान लीजिए। दूसरा यूज प्रथम यूज किया, अब दूसरा संरेखीय कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है, संरेखीय का मतलब होता है कि कोई 3 बिंदु हैं वो एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर है, 1, 2, 3, अब ये 3 बिंदु क्या होंगे संरेखीय, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। संरेखीय के लिए 10वीं में आपने ये पढ़ा था, कोई रेखा है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैंने इससे पढ़ाया था। देखो मैं क्या मानता हूँ, 3 बिंदु बना लेता हूँ, पहले बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो मैं फिर क्या कहता हूं कि ए बी प्लस में बी सी बराबर में क्या आएगा ए सी, इस प्रकार संरेखीय की कंडीशन आप याद कर सकते हैं। लेकिन अब यहां सारणिक में किस प्रकार यूज करते हैं, देखिए आपको 3 बिंदु देगा वो, माना एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री आपको दे दिया। अब ये चेक करना है कि ये संरेखीय है या नहीं, करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इससे इजी हो जाएगा, कैसे, फिर मैं सारणिक में लिखता हूँ इसको, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, 1, 1, 1। अब ये तो हो गया, देखिए बेटे ध्यान रखना, 3 बिंदु जहां होते हैं उसको ट्राइंगल बोलते हैं, और 3 बिंदु दिए आपको, मान लो 3 बिंदु, अब इन दोनों बिंदु से एक त्रिभुज बना है मान लो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, एक रेखा पर, अगर बिंदु यहाँ होता
तो बनता त्रिभुज, अब यही है तो त्रिभुज बना ही नहीं, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, जीरो, एक रेखा पे है। क्षेत्रफल तो होता है एरिया, अब एरिया तो है ही नहीं मेरे पास, इसलिए ध्यान रखेंगे ये बात। अब इसलिए अब ये तो था फॉर्मूला क्षेत्रफल का, ये 1/2 लगा देता हूँ यहाँ पे, क्षेत्रफल कितना आएगा, जीरो। त्रिभुज बनता ही नहीं है भाई, बनता ही नहीं तो आएगा नहीं, इसलिए आ गया जीरो। ये तो हो गया, अब 1/2 इधर है आएगा तो क्या, जीरो में क्या गायब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये, ये आपकी कोई तीन बिंदु अगर आपके सरेखीय हैं तो उनका मान जीरो के बराबर आ जाता है, तो वो सरेखीय हैं, वरना सरेखीय नहीं है। ये दूसरा यूज है सारणिक का, ध्यान रखें, नोट कर लीजिए इसको, यूज है उसकी बात की बात कर लेते हैं। तीसरा इसका यूज होता है, कोई दो बिंदु है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। 11th क्लास, जो कि खुद को आप अभी तक 11th में मानते हो, तो उसकी बात कर रहा हूं। दो बिंदु यानी कि x1 y1 और x2 y2, ये दो बिंदु हैं, इनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण आपने पढ़ा हुआ है, क्या आपने पढ़ा हुआ है, ये y माइनस में y1 x माइनस में x1, और यहाँ पे ढाल होती है, ऐसा कुछ होता है, y माइनस में y1 x माइनस x1, ढाल निकलती है कैसे, x2 माइनस x1 y2 माइनस में y1, ढाल आपको निकालनी आती है। ये सब बातें 11th में अपन कर चुके हैं, इस तरह से समीकरण आपने निकाल ली, ठीक है। हाँ यही होता है, y माइनस में y1 x माइनस में x1, यहाँ होता है ढाल, ढाल निकलती कैसे, दो बिंदुओं में। ये बातें सब मैंने 11th में आपको हिंदी बनों को मैंने करवाई हुई है बातें, तो ये तो इस तरह निकलता है, लेकिन यहाँ पे सारणिक के तरीके से निकालेंगे वो देखेंगे। तो ये दो बिंदु दिए हुए हैं, तीसरा माना अब एक्स वाई तो लेते ही है, अपने को लेना ही है, एक्स वाई से निकलते हैं, गुजरते हैं, एक्स वाई साथ में है इनके, अब तीन बिंदु मिल गया आपको, कर दो कहानी खत्म। अब आपको क्या करना है, तो समीकरण कैसे देखा, समीकरण क्या आएगी, देखो रेखा की समीकरण क्या आएगी, रेखा की समीकरण देखिए एक्स और वाई ये ऊपर आएगा, बाकी वही x1 y1 x2 y2 1 1 1, अब ये जो मान इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एक रेखा की क्या आ जाएगी, समीकरण। अब कैसे, एक्स वाई का मान तो पता नहीं होता, x1 और x2 इनका मान तो कोई ना कोई दो बिंदु देगा आपको, उसका मान यहाँ रखेंगे, सारणिक का मान निकाल लेंगे, वो आपकी रेखा की क्या आ जाएगी, समीकरण। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, रेखा की समीकरण का फॉर्मूला वो और ये सेम आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन 11th क्लास का उठा कर देख लेना, और दो के बिंदु ले लेना और उसको उस तरीके से सॉल्व करना जो वो था, y माइनस y1 m और x माइनस में x1, उस तरीके से सॉल्व करना और इस तरीके से सॉल्व करना, आंसर दोनों का सेम आएगा, रेखा की समीकरण वही रहेगी। ये आपका सारणिक के यूज है, सारणिक के तीनों यूज अपन ने कर लिए हैं, तीन ही आपके बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा आगे आएगा रैखिक समीकरणों को हल करना, यानी कि क्रैमर रूल। क्रैमर रूल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सारणिक से, क्रैमर रूल का ही आता है लगभग, चांसेस इसके रहते हैं। क्रैमर रूल अब तक की जितनी आपने मैट्रिक्स पढ़ी है सबसे अहम माना जाता है ये। क्रैमर रूल बीएससी एग्रीकल्चर में एक फर्स्ट यूनिट, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें एक यूनिट होती है, और 16 नंबर का क्वेश्चन आता है क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल इतनी बातों से आप पता लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है वो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने क्रैमर रूल के बारे में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।